लगातार चुनाव चल रहा है, लगातार विपक्षी पार्टी वोटिंग परसेंटेज जो हुई है उससे क्या लग रहा है आपको? तीन चरण के चुनाव हो चुके हैं, पॉजिटिव दिखा है, चौथे चरण में क्या रहने वाला है? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और इस बार के जो चुनाव परिणाम होंगे कहीं ना कहीं वो बदलाव और परिवर्तन के। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भारत माँ को माँ नहीं कहती है, डायन कहती है। मैं समझती हूँ कि ये उनकी सोच और उनके विचारों को दर्शाता है, क्योंकि हमारे लिए तो प्रकृति माँ है, भारत माता है, धरती भी माँ है। तो जो ये चीज़ें जो लेकर आ रहे हैं, मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ वो सांसद रह चुके हैं उनको बताना चाहिए कि क्षेत्र में उन्होंने क्या काम कराया है और किस तरह युवाओं को रोज़गार दिलाने में वो सफल रहे हैं, किस तरह वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करने में सफल रहे हैं। लगातार जो सेवाएँ और सुविधाएँ चरमराई हैं, तो मैं समझती हूँ कि लोग पूरे समाज और सभी समाज के लोग और सभी वर्ग के लोग इस बार कहीं ना कहीं उनको सांसद के रूप में देखना चाह रहे हैं। इस बौखलाहट में वो ये इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कन्नौज का चुनाव में कैसे देख रहे हैं राहुल जी और अखिलेश जी एक साथ? मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ कन्नौज का चुनाव जीतने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।